हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, माय सेल्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर शेयर की। ये शेयर इस वक्त 9 रुपये के आसपास चल रहा है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो कन्फ्यूज़न है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मैं एग्जैक्ट फाइनल पोजीशन बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपका कन्फ्यूज़न पूरा क्लियर हो जाएगा। आप बस वीडियो में बने रहें, ध्यान से वीडियो देखें और स्किप ना करें मेरी किसी बात को, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आए और आपका कन्फ्यूज़न कम्प्लीट क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिज़ल्ट की। अगर आप इस क्वार्टर का रिज़ल्ट देखेंगे तो लॉसेज हैं, अगर उससे पिछले क्वार्टर के रिज़ल्ट देखेंगे तो इस क्वार्टर से भी ज़्यादा लॉसेज हैं, और उससे पहले के भी क्वार्टर्स का रिज़ल्ट देखेंगे तो और ज़्यादा लॉसेज हैं। इसका मतलब धीरे धीरे लॉसेज इस कंपनी में कम हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी कंपनी में लॉसेज धीरे धीरे कम होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक पॉजिटिव साइन आ रहा है कि आने वाले टाइम में वो कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है। सेकेंड थिंग, जो इसमें इन्वेस्टमेंट करा हुआ है वो क्या इसमें बने रहें, या जिनको इन्वेस्टमेंट करना है क्या वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें, इसका डिसीजन आपको लेना है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त ये एप्रोप्रिएट बाइंग रेट है, 8.75 रुपये, यानी कि 9 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है। ये एप्रोप्रिएट बाइंग रेट है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। वो क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में अगर इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आए या इसके लॉसेस और कम हुई और आने वाले टाइम में इसका वर्किंग लेवल बढ़ गया तो ये शेयर वापस से 15 से 20 रुपये के आसपास स्टैंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये शेयर पहले 52 वीक लो, अगर आप ध्यान से देखेंगे 2.40 रुपये था इस शेयर का। तो अगर वो जो 52 वीक लो 2.40 रुपये था और अभी ये शेयर 9 रुपये के आसपास स्टैंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 3 गुना से ज़्यादा की स्टेबिलिटी दे रहा है। यानी कि किसी ने अगर 3 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज उसको स्टेबिलिटी दे रहा है ये शेयर 3 गुना। तो उसी तरह से जब ये शेयर एकदम से भागने लगा था और ये 25 रुपये से ऊपर तक भी चला गया था, तब बहुत से लोगों ने अपर लेवल पे इसमें इन्वेस्टमेंट किया और वो फंस गए। उनको क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, मैंने एक चीज़ तो बता दी कि जो न्यू है अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल है, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इससे डाउनफॉल अब शेयर में कम चांसेस है आने के, और अगर आता भी है तो आप और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जिन्होंने अपर लेवल पर लिए हुए हैं वो इसमें एवरेज बनाएं। एवरेज बनाएंगे तो आने वाले टाइम में, जैसे मान लीजिए किसी ने 20-25 रुपये के आसपास को खरीद रखा और अभी एवरेज उतने ही शेयर जितने पहले थे उतने और ख़रीद लेता है, तो उसका जो एवरेज बाइंग है वो 13-14 रुपये के आसपास आ जाएगा। और जब फ्यूचर में ये वापस से 20+ जाएगा तो वापस से आपको आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर रिटर्न मिल सकता है। अदरवाइज़ आप एवरेज नहीं करेंगे और होल्ड करके बने हुए हैं इस शेयर में, तो फिर आपको थोड़ा सा और टाइम लग सकता है आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमाने के लिए। अगर एवरेज करेंगे तो जल्दी आप अपने इन्वेस्टमेंट पे बाइंग करके एवरेज बना करके जो भी है आपका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, और जब ये 20-25 रुपये वापस चला जाएगा तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट अर्निंग मिलेगी। अगर नहीं एवरेज करते हैं आप, देन यू हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में इसके वर्किंग लेवल्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स होंगे, मुझे ऐसा लगता है, मेरी रिसर्च एनालिसिस के बेसिस मुझे ऐसा लगता है। तो जो न्यू है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो एवरेज बना सकते हैं, और अगर आप होल्ड करके रखना चाहते हैं, एवरेज भी नहीं बनाना चाहते और इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते तो आप होल्ड भी करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी इस पर मैटर था वो मैंने क्लियर कर दिया, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया रिजल्ट्स को लेकर के, और इसके वर्किंग लेवल्स अगर इम्प्रूव होते हैं तो फ्यूचर में ये आपको एक बेहतरीन रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे देगा। तो फ्रेंड्स, जो बात मैंने अपने रिसर्च एनालिसिस के बेसिस पे आपको बताई, आप भी उसको एनालाइज करें। फ्रेंड्स, मेरा बताने का तरीका अलग है, मैं वैल्यूज फिगर को आपको याद करके नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैं कोई उसको देख करके बता रहा हूँ, मैं एक सिस्टमेटिक वे में बता रहा हूँ। कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बैलेंस शीट्स वगैरह की वैल्यूज़ को देख करके, एसेट्स वगैरह देख करके बात नहीं कर रहा। कभी कभी कंपनी लॉसेस में होती है तो भी फ्यूचर में वो अपर लेवल से बढ़ सकती है, हमें पहले से एनालाइज करना पड़ता है, और लोअर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो फ्यूचर में हमें हाई लेवल पे बहुत अच्छे रिटर्न हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, वही चीज़ मुझे आज की डेट में आपकी जो इसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है। फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर है, क्या होगा वो फ्यूचर रिजल्ट्स पर डिपेंड करेगा।
तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप मेरे एनालाइज जो भी करके मैं वीडियोस बनाता हूँ उसको देखते रहे, वॉच करते रहे, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि डे बाय डे मैं जिस भी शेयर्स के बारे में आपको एनालाइज करके कुछ ना कुछ बताता हूँ उससे आपका जो भी नॉलेज है वो अपग्रेड हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।